So, come to the parallel form realization. As an alternative to the cascade implementation described in the previous section, is to express the filter transfer function using the partial fraction method in a parallel form as parallel sum of a number of second order and first order terms. Means अभी तक जो हम decomposition कर रहे थे multiplicative form में, अब हमें उसी decomposition को additive form में करना है. Means जो transfer function हमारे पास था, उस transfer function को हम दो तरीके से अलग अलग डिकम्पोज कर सकते हैं. पहला मल्टीप्लिकेटिव टाइप में और दूसरा एडिटिव फॉर्म में. जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो डिकम्पोज्ड पार्ट्स का, इट मींस आपने कैस्केडिंग की है. और जब आप एडिंग करते हो, एडिशन करते हो डिकम्पोज्ड टर्म्स का, तो इसका मतलब है कि आप वहां क्या बना रहे हो, पैरेलल फॉर्म. तो पैरेलल फॉर्म रियलाइज करने के लिए हम सिर्फ उसको फैक्टराइज कर दें तो उससे काम नहीं बनने वाला. क्योंकि फैक्टराइज जब हम करते हैं तो बेसिकली वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है. तो पैरेलल फॉर्म में बनाने के लिए, उसको एडिशन करने के लिए हमें ऐसे ही फॉर्म के H1, H2, H3 चाहिए होंगे. और वो हम कहां से ले आएंगे, उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड चूज करना होगा. उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड चूज करना होगा, राइट? पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन. जब हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं, तब जो हमारे अलग अलग पार्ट्स डिकम्पोज होते हैं HZ के, वो अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से ऐड होते हैं, राइट? और उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम अलग अलग इस HZ के फॉर्म में लिखते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है. ये तो आपका एक जनरल IIR फिल्टर का फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है. इस जनरल IIR फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वो है ये पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स. मींस फर्स्ट आपका ये क्या है, कांस्टेंट टर्म प्लस K=1 to N1, ये आपका इस टाइप का टर्म है जिसमें न्यूमरेटर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा और डिनोमिनेटर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा, प्लस एन नंबर ऑफ एडिशंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सिस्टम विच हैज कॉन्स्टेंट टर्म इन न्यूमरेटर एंड फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन इन डिनोमिनेटर, राइट? और इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं HZ=K+n1+n2HKZ. मीन्स K+H1Z+H2Z+H3Z+H4Z up to HN1Z up to HN2Z, विच एवर इज ग्रेटर, N1 or N2, where in general the filter is assumed to have N1 complex conjugate poles, N1 real zeros and N2 real poles, and K is a constant,
राइट। तो जैसा वहां हमने किया था, कॉम्प्लेक्स पोल्स को कंबाइंड कर दिया था, सेकंड फॉर्म सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनाया था, ऐसे ही यहां भी हम करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स पोल्स होंगे उनको हम ब्रेक नहीं करेंगे, उनको हम कंबाइंड फॉर्म में सेकंड ऑर्डर फंक्शन ही रखेंगे, सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ही रखेंगे, जैसा कि यहां पर रखा गया है, ठीक है। और अगर वो ब्रेक हो सकता है तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर में ब्रेक कर लेंगे जहां पर कि कॉम्प्लेक्स पोल्स ना हो, ठीक है। अब इस टाइप के सिस्टम का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन के कई तरीके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के कई तरीके हैं। आपको पार्शियल फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि हम किसी फंक्शन का, किसी pz by dz का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर पार्ट जो आपका है उसको फैक्टराइज करना आना चाहिए। आप जब तक उसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तब तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। न्यूमरेटर की बात नहीं है, न्यूमरेटर की जरूरत भी नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना आना चाहिए। उसको आप जैसे भी हो फैक्टराइज कर लें और तब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास एक टर्म है कांस्टेंट k और बाकी सारे h1 h2 h3 h4 अप टू hn अलग अलग ट्रांसफर फंक्शंस मिल गए, अलग अलग सिस्टम्स मिल गए, और उन सारे सिस्टम्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया, कैस्केड में सीरियली कनेक्ट किया था। उन सबको हमने H1 के आउटपुट को H2 के इनपुट में दिया, H2 के आउटपुट को H3 के इनपुट में दिया, और ऐसे ही एक सीरीज हमने कनेक्शन दिया था। यहां हम क्या करेंगे, एक पैरेलल कनेक्शन देंगे, जितने भी आपके HZ हैं उन सबके इनपुट्स कॉमन करके आप एक कर देंगे और उन सबके आउटपुट्स को आप एक साथ सम कर देंगे। मीन सब में इनपुट एक ही आएगा और आउटपुट उन सबका समेशन होगा, इंक्लूडिंग कॉन्स्टेंट टर्म के, राइट। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनता है पैरेलल फॉर्म का, ठीक है जी। एग्जाम्पल फर्स्ट, कंसीडर एन IIR सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन। देखिए ट्रांसफर फंक्शन आपके पास है IIR सिस्टम का। अब इसको हमें रियलाइज करना है पैरेलल फॉर्म में, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना होगा HZ का। और पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन भी हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो आप इस जितने भी इनवर्स हैं इन सबका इनवर्स कन्वर्ट कर दें Z में, means दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर आप z^-3 कॉमन कर लेते हो, या ये कहें दोनों में ही आप z^-3 मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो Z में मिलेगा, और Z में मिलेगा तो उसको फिर आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, ठीक। एक तरीका वो है। दूसरा ये है कि इसको Z इनवर्स ही रहने दो और Z इनवर्स को X मान लो, ठीक, और अब उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। तो ये दोनों तरीके हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, दोनों ही तरीकों से आपका रियलाइजेशन हो सकता है पैरेलल फॉर्म रियलाइजेशन। थोड़ा सा डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में, तो जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा उसके बिहेवियर में डिफरेंस आएगा,
ठीक है, जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा तो बिहेवियर में डिफरेंस आएगा, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन अभी भी सेम रहेगा। ठीक है, तो जब हम z इनवर्स को लेकर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट होके आपको ये देगा। और जब हम इसी को z में कन्वर्ट करके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें ये देगा। ठीक है जी, तब पार्शियल फ्रैक्शन हमें ये देगा। और जब हम इसको लेकर रियलाइज करते हैं, z इनवर्स को लेकर पार्शियल फ्रैक्शन किया और इसको रियलाइज किया, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म वन स्ट्रक्चर। और जब हम इसको z में लेकर, जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, ठीक ना, z में लेके पार्शियल फ्रैक्शन किया और तब जब हम उसको रियलाइज करते हैं, तब वो क्या बनता है, पैरेलल फॉर्म टू स्ट्रक्चर, राइट। सो द स्ट्रक्चर कोरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट एक्सपेंशन विच इज टेकन एज जेड इनवर्स, राइट। इन फर्स्ट एक्सपेंशन वॉज कंसीडर्ड एज z इनवर्स एंड इज टर्म्ड एज पैरेलल फॉर्म वन रियलाइजेशन एंड दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू सेकेंड एक्सपेंशन, मीन्स द स्ट्रक्चर कोरेस्पॉन्ड्स टू द सेकेंड एक्सपेंशन। वट इज द सेकेंड एक्सपेंशन? दिस वन। Which is expanded by converting z inverse to z, and the structure is called parallel form 2 realization. The two realizations are shown below. Pehla structure yahan hai parallel form 1, दूसरा यहां है पैरेलल फॉर्म 2। डिफरेंस देखो कहां है, पहले तो इन दोनों के ट्रांसफर फंक्शन में डिफरेंस देखो कहां है। जब आप z इनवर्स लेकर ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन करते हो तो एक टर्म यहां कांस्टेंट दिख रहा है, इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक टर्म कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक ना। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तीसरा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। जब आप z लेकर करते हो तो कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दिखता है, दो पार्ट्स दिखते हैं। पहला पार्ट आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का है, दूसरा पार्ट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है। ध्यान देना, न्यूमरेटर कोएफिशिएंट्स दोनों में डिफरेंट हैं, न्यूमरेटर कोएफिशिएंट्स दोनों में डिफरेंट है, ठीक है जी। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें तीन लाइनें आएंगी जो एक साथ ऐड होंगी, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें दो लाइनें आएंगी, दो आउटपुट्स आएंगे जो एक साथ ऐड होंगे। देखो, यहां से एक स्ट्रक्चर, एक लाइन आता है -0.1 का, दूसरा यहां से आएगा इसका आउटपुट, तीसरा यहां से आएगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का इसका आउटपुट, और इन तीनों को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद रिजल्टेंट दिया, ये क्या बनता है, वाई जेड, ठीक। इधर क्या है, एक्स जेड, राइट। ऐसे ही यहां क्या है, एक्स जेड। यहां क्या है, वाई जेड।
राइट। आप देखेंगे यहां तीन लाइंस आ रही हैं, ऐड हो रही हैं, यहां पर दो ही लाइनें ऐड हो रही हैं, तीसरी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके पैरेलल फॉर्म वन और पैरेलल फॉर्म टू में, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दोनों ही केस में आप देखेंगे ये जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर आपने लिया है, दोनों जगह फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो आपने लिया है, आप देखेंगे पैरेलल फॉर्म वन में जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट में जेड इनवर्स कम है, डिले का इफेक्ट कम है। डिनोमिनेटर पार्ट में एज इट इज जैसा यहां पर डिले है वैसा ही यहां पर भी डिले है, लेकिन न्यूमरेटर पार्ट में डिले का इफेक्ट कम है इन पैरेलल फॉर्म वन, और पैरेलल फॉर्म टू में डिले का इफेक्ट ज्यादा है न्यूमरेटर के लिए, ठीक ना। लेकिन ट्रांसफर फंक्शन दोनों का सेम है, ठीक है जी। सेकेंड एग्जाम्पल, आपको एक ये एच जेड गिवन है, जैसा कि आपके कैस्केड में था एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है, एच जेड गिवन है। इस एच जेड को आपने पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक किया, तो कैसे करेंगे? देखिए, एक ये कॉम्प्लेक्स है और एक ये कॉम्प्लेक्स है, दो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल बना लिया, तो इसकी वजह से जो बनेगा वो सेकंड ऑर्डर सेक्शन बनेगा। यहां पर दो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल्स हैं, तो इनकी वजह से दो अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर सेक्शंस बनेंगे। आप चाहें तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके और इससे भी आप एक सेकंड ऑर्डर सेक्शन रेडी कर सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर सेक्शन रेडी करके आप दो सेक्शंस केवल लेंगे और दोनों ही सेकंड ऑर्डर सेक्शन होंगे, उन दोनों को पैरेलल कनेक्शन करके आप उसको रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका रियलाइजेशन देखो कैसे बनेगा, एक फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन बनेगा, उसके नीचे एक और फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन बनेगा, उसके नीचे एक सेकेंड ऑर्डर सेक्शन बनेगा, तीनों का इनपुट कॉमन होगा, तीनों का आउटपुट एक साथ ऐड होगा। यह है आपका एच जेड, डिकम्पोज्ड एच जेड इन पैरेलल फॉर्म। यह है आपका रियलाइजेशन, ये है आपका रियलाइजेशन। देखो 2.93 यहां है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आ गया 2.93, एक जेड इनवर्स है, एक जेड इनवर्स यहां दिया, ये मान लो ये क्या है ब्लॉक, और यहां पर कोई भी समिंग पॉइंट नहीं है, ठीक, यहां भी कोई समिंग पॉइंट नहीं है, यहां भी कोई समिंग पॉइंट नहीं है, और ना ही यहां पर है, ना ही यहां पर है, ठीक। ये भी समिंग पॉइंट नहीं बनेगा, ये भी समिंग पॉइंट नहीं बनेगा। ये इतना स्ट्रक्चर आपके सामने है, वैल्यूज जो आपके कोएफिशिएंट की यहां है सेम वैल्यूज यहां पर लिखी गई हैं। यहां देखो -3/4 है, तो यहां +3/4 हो जाएगा। अगला सेक्शन -17.68 फॉरवर्ड पाथ में है, ठीक है, यहां -1/8 है, तो यहां +1/8 होगा। अगला सेक्शन 24.5 कांस्टेंट टर्म है, Z इनवर्स के साथ 26.82 है, ठीक है। यहां -1 है Z इनवर्स के साथ, यहां +1 होगा,
ठीक, यहाँ प्लस वन बाई टू है जेड इनवर्स के साथ, यहाँ माइनस वन बाई टू होगा जेड इनवर्स के साथ। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ऐसे ही ये भी एक ब्लॉक है, राइट। तो ये है आपका पैरेलल रियलाइजेशन, ठीक है, ये है पैरेलल रियलाइजेशन। पैरेलल रियलाइजेशन में बेसिकली आपको करना क्या है, अलग अलग सेक्शंस बनाकर उनको एक साथ ऐड कर देना है आउटपुट्स को, और इनपुट को कॉमन कर देना है। एक और एग्जांपल देखो, इसमें आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज डिनोमिनेटर को, और उसके बाद इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग किया। तब जब आपने अलग अलग किया तो ये इस टाइप का एक सिस्टम बना, जिसमें यहां क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक। इसका भी रियलाइजेशन जैसे पिछला हमने किया था वैसा ही होगा, ठीक ना। यह है आपका रियलाइजेशन, यह है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म लग गया, ठीक। यहां पर आपका न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म यह है 1.2916, और दूसरा जेड इनवर्स के साथ क्या है, -0.08407, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 तो 1 है, -0.1307 तो +0.1307 हो जाएगा, ये +0.3355 है तो ये -0.3355 हो जाएगा। यहाँ पे 10.1764 है, ठीक, कांस्टेंट टर्म, Z इनवर्स के साथ क्या आ जाएगा, 0.049, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रियलाइजेशन कंप्लीट होता है, पैरेलल रियलाइजेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद हम आएंगे लैडर रियलाइजेशन पर, ठीक। ये दो रियलाइजेशंस और हैं आपके IIR फिल्टर रियलाइजेशन के लिए, तो इनके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, राइट।